संभल के असमोली थाना की पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए 3 शराब तस्करों को गिरफ्तार कर उनसे 4,00,000 कीमत की अपमिश्रित शराब का जखीरा बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा ने खुलासा करते हुए बताया कि असमोली थाने की पुलिस ने ग्राम कतना के जंगल से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से अपमिश्रित शराब के 4,000 पौवे बरामद किए हैं, जिनकी कीमत लगभग 4,00,000 रुपए है। वहीं एक टाटा इंट्रा गाड़ी भी बरामद की गई है। एक आरोपी फरार है। उन्होंने बताया कि ये लोग शराब के पौवे पर फर्जी हॉलमार्क लगाकर आसपास के गांवों में बेचते थे और इसी के जरिए पैसा कमाते थे। थाना असमोली के अंतर्गत कल एक ट्रक को पकड़ा गया, तो मिनी ट्रक है इसका। इसके साथ में 4,000 पौवे देसी के पकड़े गए। इसमें जब इसको चेक किया गया तो ये पता चला कि ये अपमिश्रित शराब को देसी पौवों में भरकर और यहाँ पर गाँव में बेचने का प्लान बना रहे थे। इसमें 3 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं, जिनका नाम अजय शर्मा, संजय शर्मा व राजू उर्फ राजकुमार है। ये तीनों थाना असमोली के रहने वाले हैं। इनके पास से कुल लगभग 700 लीटर इन 4,000 पौवों में देसी शराब मिली है, जिसकी बाजारी कीमत लगभग 4,00,000 रुपए होती है। साथ में एक टाटा इंट्रा यूपी 81 नंबर की गाड़ी भी सीज की गई है और इसमें इनके ऊपर FIR लिखकर विधिक कार्रवाई की जा रही है। साथ में इनके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जाएगी।